ये लेसन थ्री मनोहर रे की बुक से है, राजू पब्लिकेशन में भी है, जो सरकारी प्रकाशन किताब है उसमें भी है। तो लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस लेसन का ये पहला वीडियो है, पहला वीडियो यहाँ पे हेडिंग मैंने कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई पूछता है क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, चर एक्स वाई में एक रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दो चर हैं, इसलिए इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। चर एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण है, इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ ए और बी शून्य नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। इसको प्राय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए और बी शून्य नहीं है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट जीरो। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो यह व्यापक रूप है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये इसका व्यापक रूप है। ए वन बी वन और सी वन के जो वास्तविक संख्याएं होती है उनमें से कोई संख्या होगी, ए टू बी टू और सी टू भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि जो यहाँ पे डिफिनेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो वही चीज है, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, तो दोनों ने उनके कोफिशिएंट या राइटर्स ने कोफिशिएंट ए वन ए टू बी वन ए टू सी वन सी टू दे रखा है। ये स्टैंडर्ड व्यापक रूप है, यहाँ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू वास्तविक संख्या है तथा ए वन का वर्ग प्लस बी वन का वर्ग इक्वल टू जीरो एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये दो दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप वाले समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, इसको हल करेंगे तो हमको मालूम होगा कि इसका सलूशन है कि नहीं है। एक सलूशन है कि बहुत सारे एक्स और वाई के मान हैं या कोई भी मान नहीं है, इसको हम बिना सॉल्व किए दो समीकरण को। दो समीकरण क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें दो चर राशियां हैं। दो चर राशियों वाले समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण लेना पड़ता है और उसी से एक्स और वाई के मान आते हैं निकल गए। तो यहां पर हम इन दोनों समीकरण को बिना हल किए बता सकते हैं, कुछ रूल्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके प्रकृति के बारे में बता देंगे कि ये दोनों समीकरण का एक हल है, वही हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं। तो यहां पर दोनों समीकरण का आदितीय हल है, पहला है दोनों समीकरण का आदितीय हल। आदितीय हल मीन्स एक निश्चित सोल्यूशन, एक्स और वाई का एक निश्चित मान है, उसके अलावा और कोई मान नहीं है, एक आदितीय हल। अर्थात दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं और
तब इसके लिए कंडीशन क्या है, हम कोफिशिएंट को लेते हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 को, तो ये दोनों समीकरण का एक हल होता है x वाली x और y के एक मान निकलते हैं। ठीक है, बस इतने ही आपको कर लेना है, दोनों समीकरण से जो x के कोफिशिएंट है और y के कोफिशिएंट है रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लोएस्ट टर्म में बदलेंगे, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा तो हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं होता है तो अद्वितीय हल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, दोनों समीकरण यानी रेखाएं जो नंबर एक नंबर दो से जुड़ेंगे, ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी, समपाती मतलब एक रेखा रेखा नंबर एक और रेखा नंबर कहा, ये रेखा नंबर एक और रेखा नंबर दो दोनों एक ही पर होगी, ये आपकी बड़ी वाली है यहां से यहां तक, ये रेखा नंबर एक है और ये छोटी वाली ये रेखा नंबर दो है, एक ही पर है, समपाती है, यहां से इस तीर तक ये रेखा नंबर दो है, यहां हमने रेखा खींचने के पॉइंट पे ऐसे लिखा है और यहां से यहां तक ये रेखा नंबर दो, दोनों एक ही पर है, नीचे ऊपर है, तो जो पॉइंट रेखा एक पर होगा वही पॉइंट रेखा दो पर होंगे। ठीक है, इस तरह से जब समपाती होता है तो दोनों रेखाओं का जो बिंदु होता है सदूषण वह अनंत होता है, क्योंकि एक रेखा में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और जब एक रेखा दूसरे पर रहेगी दूसरे का मान उसका होगा उसी का दूसरे का भी होगा, वाई का मान जो पहले रेखा का होगा वही वाई का मान दूसरे रेखा का होगा, तो उसके लिए कंडीशन है x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट और अचर पर तीनों का अनुपात लिखते हैं, और तीनों का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों रेखाओं के अपरिमित हल हैं अर्थात अनेक हल, इसी को हम लिखेंगे x y और अचर पर का जो रेशियो लिखेंगे x के गुणांक का y के गुणांक का दोनों समीकरण के और दोनों समीकरण का अचर पर का रेशियो लिखेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर तीनों रेशियो एक समान आता है तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, इसके अनेक हल होंगे अपरिमित हल होंगे। तीसरा, दोनों रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे, इस केस के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अगर इस तरह से है दोनों समीकरण दो चर वाले दोनों समीकरण का के चरों के गुणांकों की तुलना या रेशियो लिखिए, तुलना रेशियो लिखिए, तुलना करने पर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 यानी चर x के गुणांकों का अनुपात चर y के गुणांकों का अनुपात समान हो और जो अचर पर का अनुपात है वह समान न हो, न तो a1 बटे a2 के बराबर c1 बटे c2 हो और न b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2 हो, ऐसा है तो कोई हल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन आपको यानी दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी, रेखा नंबर एक रेखा नंबर दो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कहीं पर नहीं कट करेंगी, इसमें एक दूसरे के ऊपर से पास करेंगी और ये दोनों रेखाएं एक बिंदु निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इसके एक निश्चित मान मिलता है, इस तरह से ये तीनों कंडीशन
और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा, याद रखना होगा, इतना तो आपको कंपल्सरी है याद रखना, क्योंकि लेसन शुरू करने से पहले आप जो कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है तब आपको ये बोलना पड़ेगा, व्यापक रूप क्या है ये बोलना पड़ेगा यहां पर। फिर क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, दे देगा दो चर वाले दो समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसके अनंत हल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका एक अद्विति हल, तो ज्ञात करिए क्या है, तो उस पर टिक लगाना रहता है। तो जब ये तीनों कंडीशन आपको लग रहेंगे तभी आप कह पाएंगे ये चरों के जो चर है एक्स और वाई उनके जो गुणांक है कोएफिशिएंट है उनके रेशियो निकालेंगे और यहाँ कंडीशन पे रखेंगे, सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कह देंगे कि एक हल है, दूसरा करता है तो एक रेखा दूसरे पर संपाती है अर्थात इसके अनेक हल हैं, अगर तीसरा सब करता है तो दोनों रेखाओं के कोई हल नहीं है अर्थात दोनों रेखाएं समांतर, जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, कभी कट नहीं करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो इस तरह से कई रेखाएं कट करती हुई मिलेंगी और इसका करोगे तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से पास करेगी। थैंक यू, बस आज के वीडियो में इतना ही।